तो आज की वीडियो एक टोटली डिफरेंट वीडियो होने वाली है, डिफरेंट तरीके एक्सपीरियंस के साथ, जहां मैं जा रहा हूं बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जो फेमस है अपने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। और साथ में मैंने इस वीडियो को अलग क्यों कहा, क्योंकि यहां पर मैं मिलने वाला हूं फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सुधीर शिवराम के साथ। मैं जाने वाला हूं इनके साथ एक जंगल सफारी का एक्सपीरियंस करने, और हमारे साथ होगा एक मोटरोला का लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन जिसका नाम है मोटरोला S30 अल्ट्रा, जो की अभी के डेट में आता है इंडस्ट्री के हाईएस्ट 200 मेगापिक्सल के साथ। कैमरा सैंपल होने वाले हैं, यहाँ पर जंगल सफारी एक्सपीरियंस होने वाला है, और यह वीडियो कंप्लीट हुई है मिलके बनी है मोटरोला इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में। तो भाई अभी एकदम सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं और मैं जाने वाला हूँ जंगल सफारी। सिर्फ इतना ही पता है मुझे, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कहाँ जाने वाले, क्या करने वाले, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड तो हूँ। और जाहिर सी बात है मैं भाई बिल्कुल अकेले नहीं जाने वाला हूँ, मेरे साथ है मिस्टर सुधीर शिवराम, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और काफी फेमस है सर आप। अभी चलते हैं बांधवगढ़ पार्क के अंदर जाएंगे, तो थोड़ा तो सुबह ढूंढेंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है तब बाघ का मूवमेंट अच्छा होता है। अच्छा। तो देखते हैं, एंड वहाँ पे एक्चुअली बाघ और बच्चे भी है, तो हम लोग चलते हैं। और हमारे साथ है भाई मोटो S30 अल्ट्रा जिसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज कैमरा सेटअप जो है इसका वो काफी स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर के साथ आता है, वही चीज चेक करने वाले हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? तो फाइनली पहुंच गए, काफी टाइम लग गया, दूर था ये? बहुत दूर था ये, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह चले, अंधेरा था इस टाइम, अभी बस सनराइज हो चुका है। काफी अच्छा सा है माहौल। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ आपको ना चलते चलते वीडियो सैंपल भी देता रहता हूँ, बिकॉज कैमरा हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है ना, यहाँ पे OIS भी मिल जाता है, साथ में 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 12 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो है, 60 मेगापिक्सल सेल्फी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग वीडियो भी शूट करते रहेंगे, फोटोज क्लिक करते रहेंगे, और इजी होगा आपके लिए भी डिफरेंट सिचुएशन में जज करना। एंड डेफिनेटली मेरे साथ जंगल सफारी, मैं आपके साथ, मेरे व्यूअर्स मेरे साथ। और अगर कैमरा UI की बात करें तो मोटरोला ने इस बार इसमें भी चेंजेस किए हैं, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने कहा वर्ल्ड का पहला 200 मेगापिक्सल सेंसर मोड, डुअल फोटो और डुअल वीडियो कैप्चर मोड में अभी शो करने वाला हूँ, ये मैक्रो कैमरा है जो कि 50 मेगापिक्सल का बन जाता है क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से यूज करता है, तो ये भी हाईएस्ट हो जाता है। और ये है हमारा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मेन कैमरा, और ये 2x टेलीफोटो या फिर इसको पोर्ट्रेट फोटो भी यही लेगा, मैक्सिमम जो वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी 8K तक मिल जाती है, हालांकि मैं पर्सनली 8K इतना प्रेफर नहीं करता रियल लाइफ में, लेकिन 4K 60fps मैक्सिमम सेटिंग यहाँ मिली जाती है, इवन सेल्फी में भी हमें 4K वीडियो मिल जाता है, और सेल्फी भी यहाँ पर 60 मेगापिक्सल है, ये भी हाईएस्ट है। पोर्ट्रेट मोड में हम ब्लर मैनेज कर सकते हैं, फोटो मोड में यहाँ पर हमें मल्टीपल फिल्टर मिल जाते हैं देखने को, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रो मोड तो मिलेगा ही, जिसके अंदर आप शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस सब कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअल ऑटो फोकस। इन शॉर्ट मोटरोला ने अपनी तरफ से अब तक जितने भी मोटरोला के फोन देखे हैं सबसे बेस्ट कैमरा सेटअप यूज किया है इसके अंदर। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है, लाइटिंग भी बढ़िया है, एंड अर्ली मॉर्निंग इज कब टाइगर का मूवमेंट होता है, अलार्म कॉल भी सुनना जरूरी है क्योंकि तब पता चल जाता है कि मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है। अगर आप रास्ता देखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट है लैंड, तो अगर कोई पगमार कहीं पे है तो मिल जाएगा, तो इसका मतलब हमें निकलना चाहिए, हम लेट ही कर रहे हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। मैं आगे शूट करता रहूंगा, हाँ ब्लॉग टाइप मिक्स करके आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। तारा क्या नाम है? टाइपिस्ट का नाम। अच्छा, आप लोग रहते हैं प्यार से? कई बार तो जैसे अपने सर आ गए पुराने गेस्ट, इन्हीं से कह दे सर कोई एक नाम दे दीजिए, इन्होंने दे दिया कि ये नाम, वही नाम चलने लगता है, चलिए ये टाइपिस हो गई ऐसा करके। ये गाड़ी भी अच्छा चलाते हैं, फोटोज भी अच्छा क्लिक कर लेते हैं। फोटो पता कौन सी थी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये वाली फोटो क्लिक की हुई है गुड्डा जी ने। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे फोन के अंदर आपको तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, OIS में क्या होता है, EIS भी अप्लाई होता है वीडियो को और स्टेबल करने के लिए, बट बेसिकली जब भी EIS अप्लाई होता है तो वीडियो स्लाइटली क्रॉप होती है, बट यस EIS वीडियो को ज़्यादा स्टेबल करता है, लेकिन मैंने ऑफ कर रखा है इस टाइम। देखे वैसे मैंने नोटिस किया OIS तो इसका प्रैक्टिकली काम कर रहा है, तो याद रखना मतलब ये सिर्फ OIS अप्लाई है वीडियो पे,
EIS यूज ही नहीं किया मैंने, और रोड ये सामने देख ही रहे हो। क्या लगता है हर्षित, अगर टाइगर आएगा तो तू मेरे को बचाएगा कि भागेगा? मैं तो पहले भागूंगा भाई। ये जो देखते हैं ना, जनरली क्या होता है, टाइगर जब भी एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो वो अंदर से फॉरेस्ट के अंदर से नहीं जाता है, जनरली वो ओपन ऐसे जो ट्रैक होते हैं ना इसके ऊपर ही चलता है। तो ये वही लगता है कि ये कल शाम का है। हम नीचे तो नहीं जाएंगे, बट मैं दिखाता हूँ जितना जा सकता हूँ मैं फ़ोन को लेके। सो ये है भाई पंजों के निशान। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर दिस एफर्ट। यहाँ पर ना ये है मेन कैमरे की फ़ोटो, ये है अल्ट्रा वाइड की फ़ोटो, ये 2x लेंस है इसका, जिसको वैसे हम लोग इसके लेंस को मैक्सिमम 16x तक जूम कर सकते हैं। डेफिनेटली 16x डिजिटल जूम होगा। अभी आप मैक्रो मोड आई थिंक ट्राई करें। यहाँ पे स्पाइडर का कॉबवेब है, तो इसका मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं। वैसे इसमें भाई डुअल कैप्चर मोड भी मिल जाता है आपको। काफी सारे लोग ऐसे ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो भाई कुछ इस तरीके से जिनको शौक है अपने आप को भी दिखाना है, मतलब पीछे क्या चल रहा है भी दिखाना उनके लिए है। आई एम श्योर सब कुछ सही लग रहा होगा। लेकिन ऐसा ये वाला फीचर आप अपने YouTube चैनल में यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रिव्यू कुछ भी करेंगे, तो ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ये जैसे कई लोग क्या करते हैं, कहीं घूमने गए, अकेले ही घूमने गए हो, वहाँ पे होता नहीं कि हाँ भाई अपनी अपना एक्सप्रेशन भी दिखाना चाहते हैं और सामने क्या चल रहा है वो भी दिखाना चाहते हैं। ये सब बेसिकली मुझे अच्छा लगता है जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर करते हैं। तो आज का पूरा दिन हमने टाइगर खेला, ढूंढा उसको, सर्च किया, बट मिला नहीं। फोटोज तो काफी सारी क्लिक करी है, पंजे मिले थे राइट? लेकिन देखते हैं अभी। वैसे मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक करी है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, मोटोरोला के फोन की वीडियो आपने मेरे चैनल पे देखी है, बट अभी आप देखो जो फोटोज है इम्प्रूव्ड है भाई, क्लियर यहाँ पर। और एक और चीज का इन्होंने ध्यान दिया है, थोड़ा सा सोशल मीडिया रेडी टाइप फोटोज ऐड करता है जो कलर्स आ रहे हैं अट्रैक्टिव लगने के लिए। बट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फेस पे हल्की सी लाइट पड़ रही है, पीछे धूप है, तो एक काफ़ी बैलेंस सा फोटो निकल के आ रहा है, जो पहले से मोटोरोला ने डेफिनेटली काम किया हुआ जो दिख रहा है फोटोज में। वैसे हम लोग जहाँ पे रुके हैं ना, यहाँ पर एक बगल में पूल भी है, कुछ फोटोज यहाँ क्लिक कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या फिर ये वैसे सेल्फी से शूट हो रही है वीडियो। और इसके अंदर ना वैसे भाई प्रो मोड भी मिल जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ प्रो मोड की कुछ फोटोज जैसे ISO शटर स्पीड कंट्रोल करके फोटो क्लिक करते हैं, तो जब भी ऐसे फास्ट मूविंग एक्शन वाला कुछ ऐसा कुछ होता है उसमें हमें रखना पड़ता है शटर स्पीड को फास्ट। ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, एकदम डार्क एनवायरनमेंट, और यहाँ पर पीछे मून दिखाई दे रहा है हमें, तो डेफिनेटली नाइट मोड ट्राई करना चाहूँगा मैं। ये नॉर्मल मोड है, अभी चलते हैं नाइट मोड में। सो ये डिफरेंसेस आते हैं नॉर्मल वर्सेस नाइट मोड, कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। सेल्फी मोड ट्राई करते हैं एकदम डार्क सिचुएशन में, ये ग्लो हो जाता है, स्पॉटलाइट का काम करता है बेसिकली ये। सो सेल्फी ट्राई करते हैं। सेल्फी में यस आप बिल्कुल क्लियर पहचान सकते हैं डिटेल के साथ कि कौन है। बोलना मेल के फीमेल के अच्छा सा व्यू है एक फोन का आर्टिफिशियल लाइट में, जो नाइट मोड वगैरह चेक करने के लिए, इससे बेटर नहीं हो सकता। रीजन सिंपल है भाई, यहाँ पर ये जो ना एक लालटेन ओरिजिनल वाले हैं, बट इसके अंदर इन्होंने LED बल्ब यूज किए हुए हैं, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट नहीं, बट एक बहुत ही हल्की सी लाइट है, एक कामधेनु का एक मूर्ति है, वहाँ पे ना मल्टीपल चीजें हैं। मैं यहाँ पे कुछ ना रैंडम फोटोज क्लिक करता हूँ तो बेटर रहेगा।
Have you tried slow motion? Because इसमें 120 fps, 240 fps, 960 fps दे रखा है. Actually इसका 960 fps मैंने try किया इसमें. And especially एक bee था वो fly कर रहा था. वो wings को इतना fast flap करते हैं ना. तो वो स्लो वाला मुझे कैप्चर कर रहा था एंड लकीली वो मिल गया वो वाला सीक्वेंस. एंड जब प्लेबैक करके देखा ना तो लाइक उतना स्मूथ फ्लो आता है वो बहुत ही बढ़िया है इसमें. यहाँ पर ना HDR 10 प्लस वीडियो शूट कर सकते हैं हम. तो मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ साइड बाय साइड. एक साइड है हमारे पास HDR 10 प्लस वीडियो, साइड में हमारे पास एक नॉर्मल वीडियो है. कुछ सिचुएशन में जब इसको आप यूज करते हैं तो जो हाईलाइट्स हैं, शेडो पार्ट है, वो कुछ अलग तरीके से बैलेंस करता है जो क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा. तो राकेश ओवरऑल कैसे लगा, क्योंकि ये तो टोटली अलग तरीका का एक एक्सपीरियंस था आपका. मुझे काफी मजा आया, स्पेशली मैं तो डर भी रहा था, बट सैडली हमें टाइगर तो नहीं मिला. बहुत नजदीक पहुंच के इतना पग मार्क्स देखे, लेकिन एक तो बहुत फ्रेश था कि ऐसा लगा कि अभी क्रॉस करके गया है. आपने तो कैप्चर किया होगा काफी सारे टाइगर को यहाँ, जैसे आपने कहा आप आते रहते हैं. हाँ. तो आप मुझे कुछ वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने पूरा लेक जो यहाँ पे शूट किया है पूरा वीडियो, तो आप अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकते हैं कि जो हमने नहीं देखा वो एक्चुअली क्या था, वो सब लेक आप दिखा दीजिए अपने व्यूअर्स को. अच्छा, मैं तो मल्टीपल स्मार्टफोन्स टेस्ट करता हूँ काफी सारे, बजट में, हायर रेंज, फ्लैगशिप रेंज. आप एज अ मतलब फोटोग्राफर सिनेमा ग्रेड कैमराज यूज करते हैं, तो आप स्मार्टफोन में क्या किस तरीके से इसको आपको यूजफुल लगा, कैसा लगा इसका कैमरा? एक चीज है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं लाइक सारे के सारे लेंसेस वो कैरी नहीं कर सकते, वहाँ पे भी वो लिमिटेशन होता है. तो जैसे वही सफारी में लाइक कभी कभी जानवर बहुत नजदीक आ जाते हैं, तो वहाँ पे लाइक ये जो फोन वाला फीचर्स जो है स्पेशली वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड के लिए 0.5x है, नॉर्मल के लिए 1x है कभी कभी. एंड ऑल्सो यहाँ पे हम नीचे उतर के फोटो नहीं ले सकते, तो अगर थोड़ा जूम करके लेना है तो वो 2x वाला है. तो नॉर्मल लोग जो यहाँ पे आते हैं सफारी के लिए, यू आर नॉट कोर फोटोग्राफर्स, फिर भी वो मेमोरीज कैप्चर करना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें जो फीचर्स है वो बहुत बढ़िया. इसका जो लाइक 200 मेगापिक्सल वाला जो फीचर है वो तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि अच्छा सा क्रॉप कर सकते हैं एंड ज्यादा डिटेल्स भी दिखा सकते हैं. एंड ऑल्सो सोशल मीडिया के लिए जब भी हम पोस्ट करते हैं कभी कभी क्लोजअप करके भी हम पोस्ट कर लेते हैं. और अगर बात करें इसके हाई रेज मोड यानी कि 200 मेगापिक्सल मोड की, तो यहाँ पे जैसे मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ, फोटो क्लिक करने में ये मेगापिक्सल इतने ज्यादा है कि भाई इस मोड में थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ज्यादा लेने की कोशिश करता है. ये 53 MB के आसपास फोटो आती है. और यहाँ पे अगर इसको जूम करके देखते हैं काफी दूर पे एक चिड़िया है छोटी सी, बिल्कुल स्मॉल सी, इसको आप देख सकते हैं. तो ये डिटेल्स मिलते हैं आपको 200 मेगापिक्सल में. अदरवाइज नॉर्मल फोटोज को 16 टाइम्स पिक्सल बिनिंग यूज करके 12 मेगापिक्सल के अराउंड फोटो क्लिक करेगा, जहां पे फोटोज आपके नॉर्मल स्पीड से अच्छे स्पीड से क्लिक होती है. बाकी आप लोग बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये पूरा जंगल सफारी का एक तरीके से मेरे साथ आप लोगों ने भी किया. बाकी कैमरा सैंपल्स तो आप लोगों ने देख ही लिए. और यहाँ पे हमें पता लगा जैसे फोन में मोटोरोला हमेशा से क्लीन यूआई वगैरह पे फोकस करता, कर्व डिस्प्ले वगैरह भी इस बार, और कैमरे पे भी इन्होंने हार्डवेयर काफी स्ट्रॉन्ग दिया था. रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव हुए वो शेयर किया मैंने. वीडियो के बारे में कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, फोन के बारे में क्या कहना है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम आपका है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. और आपसे भी जल्द यहाँ मैं आना चाहूंगा जरूर, टाइगर देखना है मेरे को बाकी है.